श्री अर्जुन बाबू पशु मेले में घोड़ा दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 8 घुड़सवारों ने घोड़ों के साथ भाग दिया, जिसमें पूर्वी चंपारण के फरहान के घोड़े उस्मान ने सभी को पछाड़कर बाजी माली। वहीं दूसरे स्थान पर आरा के डब्लू सिंह का घोड़ा बाबूलाल एक्सप्रेस रहा। तीसरे स्थान पर पूर्वी चंपारण के फरहान अहमद का घोड़ा एकता एक्सप्रेस रहा। प्रतियोगिता में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले घोड़ा सवार व मालिक को सम्मानित किया गया। इधर राजस्थान के पहलवान मोहम्मद अली ने 4 बुलेट बाइकों को दांत से रोका। शरीर पर ट्रैक्टर का छोड़ा और बड़ा चक्का चढ़ाना, एक कान से कार, 4 चक्का गाड़ी भी रोकना काफी रोमांचक रहा। जहां पूर्व मंत्री एवं औराई विधायक राम सूरत राय ने कहा कि सम्मान की कोई कीमत नहीं होती, बल्कि सम्मान अनमोल होता है। साथ ही उन्होंने बताया कि बुधवार को मेले में सहरसा के 2 कलाकार अपनी नृत्य की प्रस्तुति भी देंगी। इस मौके पर मेला आयोजन समिति के सुभाष यादव, भरत राय, पूर्व प्रमुख सुभद्रा देवी, मेला प्रबंधक एहसान अहमद, हंसलाल राय सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। आज सबसे पहले एक ऐसे पहलवान जालंधर पंजाब से आए थे, जिन्होंने अपना कर्तव्य दिखलाया, ट्रैक्टर को अपने कमर में उठा लिया और ट्रैक्टर आगे पीछे नहीं चल पाया। दूसरा कर्तव्य उन्होंने दिखाया कि 4 बुलेट को एक बाजू में 2 बुलेट को बांध करके और बुलेट के टायर से धुआं निकलने लगा, लेकिन पहलवान ने बुलेट को आगे बढ़ने नहीं दिया। तीसरा कर्तव्य उन्होंने दिखाया कि अपने एक कान में रस्सी बांध करके मारुति वैगन आर को लगभग 50 फीट खींच के ले गया, जबकि कोई रोपवे नहीं है शहर जब गांव खेत में, ये बड़ी बात है। और दूसरा, यहाँ पर भेड़ का टक्कर हुआ और मोतिहारी का फरहान का भेड़े का टक्कर था, दोनों ने इनाम जीता है। तीसरा कि घोड़े का रेस 2 तरह का हुआ है, एक जो छोटे बच्चे उम्र के 2 साल 2.5 साल के बच्चे हैं जिसको नाकंद बोलते हैं, उन घोड़े में फर्स्ट सेकेंड थर्ड हुआ है, उनको फर्स्ट वाले को 10,000, सेकेंड वाले को 5,000, थर्ड वाले को 3,000 रुपये का इनाम दिया गया है। और जो बड़े घोड़े मैच्योर घोड़े थे उनका जो रेस हुआ है उसमें प्रथम पुरस्कार मोतिहारी के फरहान और थर्ड पुरस्कार भी मोतिहारी के फरहान और सेकेंड पुरस्कार जो शायद आरा का लोग को मिला है, ये सेकेंड वाले को फ्रिज मिला है, थर्ड वाले को कूलर मिला है, फर्स्ट वाले को मोटरसाइकिल मिला है, ये आज का आयोजन था। उसके बाद इस जो गाय भैंस जो व्यापारी हैं जो परमानेंट यहाँ गाय भैंस लेके आते हैं, जो खरीद बिक्री करते हैं, जो हमेशा अच्छे नस्ल के गाय भैंस लाते हैं, वैसे व्यापारियों को सभी को मोबाइल दिया गया है। लगभग अभी 25 व्यापारी यहाँ पर मोबाइल लिए, बाकी कल भी ले लेंगे, तो उनको भी सम्मान दिया गया है। और सबके सहयोग से, सबके प्रेम से, सबके मेहनत से ये मेला लग रहा है और सबों को सम्मान मिल रहा है। और सबसे बड़ा सम्मान मैं अपने आभार करना चाहूँगा अपने मीडिया के साथियों का, जो हमेशा इस मेले में आके कवरेज करते हैं और हमसे जो बन पड़ता हमने सम्मान देने का काम किया है। ये कुछ चीज़ मैंने आपको दिया, लेकिन सम्मान का कोई वजन नहीं होता, सम्मान का कोई कीमत नहीं होता है, सम्मान अनमोल होता है, वो सम्मान मैंने सभी को करने का काम किया है। आप सब आए मेरे यहाँ कवरेज की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेला में आगामी कौन सा कार्यक्रम शेष रह गया? अब आगामी कल के बारे में मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अभी एक दिन पहले टुनटुन यादव भोजपुरी कलाकार आए थे और कल ही संध्या 5 बजे से बिहार की फेमस डांसर, दोनों बहनें सहरसा की रहने वाली हैं, माही मनीषा आ रही हैं, उनका प्रोग्राम है। 8 तारीख को रावण पुतला दहन का प्रोग्राम है, 9 तारीख तक ये मेला चलेगा, 10 को समापन किया जाएगा। और इस बीच में और कोई संयोग बनेगा, कोई कार्यक्रम होने का, तो बीच में आप लोगों को सूचना दिया जाएगा। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार, नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल, एक्रेडिटेड बाय IAO एंड एफिलिएटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, लिस्टेड इन WHO। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।